नमस्कार दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई सारे राजा महाराजाओं के बड़े बड़े किस्से के बारे में सुना होगा और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी सुनी ही होगी। पहले आज की तरह इतनी फैसिलिटी और इतना डेवलपमेंट सिस्टम भी नहीं हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अपने समय के हिसाब से वो सारी चीजें डेवलप कर ली थी जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यकता थी। और उनमें भी कुछ तो ऐसे भी थे जो आज के डेवलपिंग सिस्टम से भी बेहतर। इसको अच्छे से समझने के लिए प्राचीन काल की महिलाओं के सौंदर्य से समझ सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। राजा महाराजा के समय में महिलाओं को सुंदर और युवा बनाए रखने के लिए वर्तमान युग के जैसे कोई ब्यूटी पार्लर, क्रीम या साबुन शैम्पू नहीं थे। पुराने समय में बहुत बड़े युद्ध हुआ करते थे और कई युद्ध सिर्फ सुंदर रानियों को पाने के लिए लड़े जाते थे। पहले के समय में रानियों को खुद को सुंदर और आकर्षक बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि एक राजा की कई रानियां होती थी और जो रानी अधिक सुंदर और आकर्षक होती थी, राजा उसी के साथ अधिक समय बिताता था और वही रानी सभी संपत्ति की हकदार होती थी। ऐसी स्थिति में अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए कई चीजें करनी होती थी। उस समय आज की तरह सुंदरता को बढ़ाने के लिए इतने प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन वे अपने तरीके से आकर्षक दिखती थी, जिसे आज हम वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल की रानियों ने खुद को सुंदर बनाने के लिए केवल प्राकृतिक साधनों का ही उपयोग किया, जैसे कि वे नहाने के पानी में दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से नहाने लगी, जिससे उनके शरीर कोमल हो गया और उनके शरीर से गुलाब की खुशबू आने लगी। कभी कभी यहाँ रानियाँ गाय के दूध में थोड़ा शहद मिलाकर स्नान करती। इन रानियों ने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम किया, यहाँ तक कि अपनी त्वचा को छोटा दिखाने के लिए तलवार से लड़ने का भी प्रयोग किया। पुराने समय में रानी अपने चेहरे को गोरा करने के लिए अंडे की चर्बी का इस्तेमाल किया करती थी और वे अपने चेहरे को चमकदार और मुलायम बनाए रखने के लिए अपने चेहरे पर फेस पैक लगाती थी, जिसे दूध, गुलाब जल और जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया जाता था। फिर इसे लगाने से इनकी त्वचा छोटे बच्चे की तरह मुलायम हो जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय रानी ने सुंदर चेहरे के लिए दूध में नींबू के रस और लीकर को मिश्रण कर इस्तेमाल किया। अखरोट का उपयोग चेहरे पर झुर्रियों को कम करने के लिए किया जाता था, क्योंकि यह बहुत प्रभावी होता है और इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं। राजा और रानी अपने शरीर को स्वच्छ और युवा बनाए रखने के लिए हर दिन गाजर और अखरोट खाते थे। रानी स्नान करने के बाद सुगंधित तेल लगाती थी, ताकि इस सुगंध के कारण राजा उनकी ओर आकर्षित हो। यदि हम देखने बैठे तो ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे जो आज के प्रोडक्ट से काफी बेहतर थे। यदि फ्रेंड आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।